मैं प्रकाश पांडे इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जिस टॉपिक को मैं लेके आया हूँ वो जीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और सामान्य अध्ययन प्रत्येक परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। उसी तरह देखा जाए ओपी जे बिहार जे ओपी एपीओ बिहार एपीओ में ये बहुतायत प्रश्न जीएस से पूछे जाते हैं। एक अलग पेपर ही होता है, प्री और मेंस में अलग पेपर होता है और उन्हीं पेपरों पर हम चर्चा करेंगे, जीएस को हम लोग देखेंगे। और जीएस में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करते हैं जहां से प्रश्न प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है, प्री और मेंस से दोनों में पूछा जाता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और वो है आपका मुगल वंश, वो है आपका मुगल वंश। ये मुगल वंश इतिहास का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आखिर ये मुगल वंश से जुड़ा हुआ क्या प्रश्न है इस पर हम चर्चा करते हैं। मुगल कौन थे, मुगल से क्या क्या सवाल पूछा जाता है इस पर हम बातें करते हैं। इस मुगल वंश में कौन कौन से शासक हुए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, इसके बारे में हम बातें करेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो मुगल वंश का संस्थापक था जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इस मुगल वंश का संस्थापक था और वह कहाँ पे जन्म लिया था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से जुड़े हुए क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं इन सब पे हम बातें करेंगे। इन सब पे बातें करेंगे कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कहाँ पे हुआ था और कब सत्ता प्राप्त किया, कब भारत को जीता और कब भारत में उसकी मृत्यु हुई, कहाँ पे मृत्यु हुई, क्या क्या यहाँ पे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों पर हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से चर्चा करेंगे। पूरी एक वंशावली देख लें इस मुगल वंश का कि किसने कब तक शासन किया था। तो यहाँ पे देखें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है हुमायूं। पूरा नाम क्या है, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। यहाँ पे पूरा नाम लिखने से एक तात्पर्य भी है, प्रश्न भी है, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा नाम है तो कई बार पूछ दिया जाता है जहीरुद्दीन किसका नाम है, उसको मिलान करने के लिए पूछ देता है, नसरुद्दीन किसका नाम है और फिर जलालुद्दीन किसका नाम है, ये किसका किसका नाम है ये पूछा जाता है, पूछा जाता है। ये देखा जाए तो 1530 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठा और 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के पश्चात 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अगला शासक बनता है और इसका टेन्योर क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है, 1556 में ये गद्दी पर बैठता है और 1605 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद देखा जाए तो अगला शासक कौन बनता है, नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर अगला शासक बनता है। इससे अकबर का पुत्र जिसका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जहांगीर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ये 1605 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां इसका नाम है। और शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां का टेन्योर कब से है, 1628 से लेकर और 1658 ईस्वी तक। उसके बाद वह अपने पुत्र के द्वारा बंदी बना लिया जाता है और उसके बाद देखा जाए तो
अगला शासक बनता है और वो बनता है औरंगजेब। आलमगीर आलमगीर मोहम्मद औरंगजेब औरंगजेब। और इसका जो ड्यूरेशन है वह 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक है। तो ये देखा जाए तो ये मुगल वंश के शासक हैं, लेकिन मुगल वंश से बाद में भी चलता रहता है, लेकिन इसके मर जाने के औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात देखा जाए तो आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि औरंगजेब इस मुगल वंश का मध्यकालीन भारत का संध्या है। और दूसरे दिन जो सुबह होती है वो सुबह आधुनिक भारत की होती है, जो सुबह होती है वो सुबह आधुनिक भारत की होती है। इसीलिए यहाँ पे देखें, इस परिचय देने से मतलब क्या है, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मिलान करने के लिए, टैली करने के लिए, फूट बनाने के लिए आ जाता है, जहरुद्दीन का किसके साथ जोड़ना है, बाबर के साथ जोड़ना है, नसुद्दीन का किसके साथ जोड़ना है, हुमायूं के साथ जोड़ना है, जलालुद्दीन का किसके साथ जोड़ना है, अकबर के साथ जोड़ना है, नूरुद्दीन किसके साथ जोड़ना है, जहांगीर के साथ, शहाबुद्दीन किसके साथ जोड़ना है, शाहजहां और आलमगीर किसे कहा जाता है औरंगजेब को। तो ये एक तरह से नाम है जिस नाम पर हमने चर्चा किया, जिस नाम के बारे में बात किया। इसमें हम सबसे पहला जो बातें करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट पे चर्चा करेंगे वो है जहरुद्दीन मोहम्मद अकबर। जहरुद्दीन मोहम्मद अकबर से, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम हुमायूं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम अकबर पे चर्चा करेंगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। बाबर के बारे में बातें करें तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के, फरगना नामक स्थान पे मध्य एशिया में हुआ था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो जन्म है वो जन्म है 14 फरवरी वैलेंटाइन के डे के दिन, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था फरगना में हुआ था, फरगना रियासत में हुआ था। आगे हम बातें करें तो इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। उमर शेख मिर्जा पिता का नाम, माता का नाम देखा जाए तो कुतलुग निगार था। यहाँ पे देखा जाए तो बाबर, बाबर के जन्म के कुछ ही दिनों के पश्चात देखा जाए इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उमर शेख मिर्जा की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और इसी मृत्यु के पश्चात देखा जाए तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पे बैठता है। 11 वर्ष की अवस्था में यह गद्दी पर बैठता है, फरगना रियासत के गद्दी पर बैठता है। लेकिन गद्दी पर बैठने के पश्चात इसके सामने कई समस्याएं हैं। पहली तो समस्याएं हैं कि इसका चाचा पसंद नहीं करता है कि फरगना का ये मालिक बने। दूसरा नंबर, इसका जो मामा है वो भी पसंद नहीं करता है कि ये फरगना का शासक बने। इसीलिए जब शुरुआती दिनों में इसे अपने मामा और चाचा से प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, विरोध का सामना करना पड़ता है। लेकिन ऐसे क्षणों में इसकी जो दादी है एहसान दौलत बेगम, उससे दादी के द्वारा मदद दी जाती है, हौसला बढ़ाया जाता है और एक युद्ध में अपने चाचा और मामा दोनों को पराजित करता है। एहसान दौलत बेगम इसके दादी का नाम है, दौलत बेगम इसके दादी का नाम है। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे अपने चाचा और मामा दोनों को पराजित करने के बाद फरगना के रियासत पर, मैं बातें कर रहा था कि 100 दिनों तक
बाबर ने समरकंद पे अधिकार किया, 100 दिनों तक बाबर ने समरकंद पे शासन किया। लेकिन जैसे समरकंद पे बाबर का अधिकार हुआ, वैसे ही देखा जाए फरगना उसके हाथों से निकल गया। और फरगना पर किसका अधिकार हो गया? फरगना पे उसके चाचा और मामाओं का अधिकार हो गया। लेकिन वो किसी भी कीमत पर फरगना को छोड़ना नहीं चाहता था, किसी भी कीमत पर फरगना को वो छोड़ना नहीं चाहता था। इसी कारण देखा जाए तो समरकंद को छोड़ के और फरगना पे आक्रमण कर दिया। जैसे फरगना पे आक्रमण किया, फरगना उसके कब्जे में आया, समरकंद हाथों से निकल गया। समरकंद हाथों से निकल गया। और इस तरह देखा जाए तो बाबर अब फरगना का शासक बना। लेकिन फिर उसके जहन में था कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत राजधानी समरकंद है और उस समरकंद पे हमें अधिकार करना है, क्योंकि वो हमारे पूर्वज तैमूर की राजधानी रही है। इसलिए हमें उस पे अधिकार करना है। और बाबर ने पुनः समरकंद पर अधिकार कर लिया। और समरकंद पर जब अधिकार हो गया, तो अधिकार होने के पश्चात अब यहाँ पे बहुत अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाया बाबर। लगभग 1 वर्ष तक शासन कर ही रहा था, तब तक देखा जाए तो चौतरफा हमला हो गया। एक मध्य एशिया का उज्बेकों का नेता, उज्बेकों का सुल्तान सैबानी खान ने बाबर पर आक्रमण कर दिया। सैबानी खान के द्वारा बाबर पर आक्रमण कर दिया गया और उसने तोपों के मदद से सैबानी खान ने बाबर को पराजित कर दिया। और जैसे बाबर को उधर पराजित किया, वैसे ही फरगना पर उसके चाचा और मामाओं ने अधिकार कर लिया। तो एक तरफ समरकंद भी बाबर के हाथों से निकल गया और फरगना भी बाबर के हाथों से निकल गया। बाबर ने अब फैसला किया कि अब हमें भारत जाना चाहिए और यहाँ पे आके सिकंदर लोदी के यहाँ नौकरी करनी चाहिए। सिकंदर लोदी के यहाँ नौकरी करने के लिए बाबर अब भारत के लिए रवाना हुआ, क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया। एक तो तरफ समरकंद भी निकल गया, एक तरफ फरगना भी निकल गया, और बाबर वहां से काबुल के रास्ते भारत के लिए रवाना। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य एशिया के किस नेता के द्वारा बाबर पराजित होके भारत के लिए रवाना हुआ था या समरकंद को खो दिया था? तो उसका आंसर जाता है उज्बेक नेता सैबानी खान। सैबानी खान से वह पराजित हो गए और भारत के लिए रवाना हुआ। जब बाबर काबुल पहुंचा, तो काबुल पहुंचने के पश्चात काबुल पहले उसके चाचा के ही अधिकार में था, तो सोचा कि एक रात बिताऊं। जैसे ही काबुल में उसने रात बिताया, वैसे ही पता चला कि वहां पे उसके चाचा की मृत्यु हो चुकी है और वहां पे जो वजीर है उसने शासन करना शुरू कर दिया। और उल्टे बाबर की जो चचेरी बहन है उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया है, क्योंकि उसकी चचेरी बहन विधवा थी और उसी विधवा से वो जबरदस्ती विवाह कर लिया है। और जबरदस्ती विवाह करने के पश्चात फिर वहाँ पर वो शासन करता है और उसकी बहन को मारता और पीटता है। इसीलिए बाबर को एक मौका दिया, उसके जो फ्यूचर था, उसका जो भविष्य था, उसने पुनः मौका दिया। और 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार करने के बारे में सोचा और 1504 ईस्वी में छिटपुट वहाँ पे विद्रोह हुए और वहाँ के स्थानीय लोगों के सरदारों के माध्यम से बाबर ने काबुल को जीत लिया, काबुल पर अधिकार कर लिया। और काबुल पर बाबर का कब अधिकार हुआ, कई बार पूछा जाता है, तो 1504 ईस्वी में अधिकार हुआ। बाबर ने यहीं पर जो अपनी पैतृक उपाधि थी मिर्जा, उससे मिर्जा का परित्याग कर दिया, पैतृक उपाधि मिर्जा का परित्याग कर दिया। और मिर्जा का परित्याग करने के पश्चात यहीं पर पादशाह की उपाधि धारण किया।
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने पांच शाह की उपाधि कहाँ पे धारण किया था, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है काबुल में धारण किया था। अब वो पातशाह बन गया, पातशाह का मतलब है कि इस धरती पर ईश्वर का वो प्रतिनिधि बन के आ गया, ईश्वर के रूप में आ गया इस धरती पर, इसी को पातशाह कहा गया। इसमें कहीं पर भी खलीफा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया और बाबर खुद ही इस इस्लाम धर्म का एक तरह से व्याख्याकार बनने लगा और बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण किया, न कि बादशाह। यहाँ पे ध्यान देंगे शब्दों को, पातशाह की उपाधि काबुल में धारण किया। उसके बाद बाबर ने लगभग फिर जब एक अस्थायित्व आया तो उसने समरकंद को भी जीता, फरगना को भी जीता और आने वाले 1518 ईस्वी तक देखा जाए तो लगभग इस 14 साल के ड्यूरेशन में बाबर ने लाल सागर तक और भूमध्य सागर तक देखा जाए तो अधिकार कर लिया। लगभग पूरे अरबिया क्षेत्र पर, एशिया के मध्य एशिया तक देखा जाए तो किसका अधिकार हो गया? बाबर का अधिकार हो गया। बाबर की अब सीमाएं देखा जाए तो भारत की तरफ भी बढ़ने लगी। बाबर चाहता था कि अब भारत को भी जीते, इसीलिए शुरुआती दौर में 1519 ईस्वी में बाबर ने बाजरा और घेरा पर आक्रमण किया, जो अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान के क्षेत्र थे, बॉर्डर इलाका थे, उन्हीं इलाकों पर आक्रमण किया। इसने बाबर ने बाजरा और घेरा को जीतने का काम किया। फिर बाबर ने दूसरे आक्रमण में देखा जाए तो पेशावर तक आ गया। तीसरे आक्रमण में लगभग बाबर ने पंजाब के क्षेत्रों को जीत लिया और चौथे आक्रमण में देखा जाए तो बाबर ने जो गजनवी वंश के शासक थे, जो एक तरह से देखा जाए मुस्लिम राज्य था, जो लोदी वंश का वहाँ पे राज्य चल रहा था, उस लोदी वंश के राज्य को अधिग्रहित किया और फिर अधिग्रहित करने के पश्चात ही आलम खान लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चाचा था, और दौलत खान लोदी, ये दोनों किससे मिल गए? बाबर से मिल गए। और इसी कारण देखा जाए तो फाइनली पांचवें आक्रमण में बाबर ने भारत को जीतने के लिए रवानगी किया, यानी कि वह दिसंबर 1524 में 1525 ईस्वी में फाइनली भारत को जीतने के लिए वह काबुल से रवाना हुआ। और काबुल से रवाना होने के पश्चात अप्रैल 1526 ईस्वी में वह पानीपत के मैदान में पहुंच गया। 21 अप्रैल 1526 को वह पानीपत के मैदान में पहुंचा और पानीपत का प्रथम युद्ध है लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध है किसके बीच लड़ा गया? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदिच, यानी कि यह युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? यह युद्ध देखा जाए तो बाबर के बीच और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी उस समय देखा जाए तो लोदी वंश का शासक था और लोदी वंश का एक नवयुवक शासक था और उसके नेतृत्व में अफगान सेना और बाबर के नेतृत्व में मुगल सेना के बीच 1526 में पानीपत में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देखा जाए जो बाबर ने उज़्बेकों से लड़ने की तकनीक सीखी थी, तुगलकमा पद्धति सीखा था, उस्मानी पद्धति से जो तोप सजाने की विधि सीखी थी, उस विधि ने उसका साथ दिया और साथ देने के पश्चात चंद घंटों में तो खाने के बल पर वह अफगानों पर विजय प्राप्त कर लिया और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। आगे हम बातें कर ले इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और मारे जाने के पश्चात इसी पानीपत के प्रथम युद्ध के पश्चात भारत में मुगलिया सल्तनत, मुगलिया साम्राज्य की, मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है
अब यहाँ पे देखा जाए तो इस समय बाबर को बुलाने का काम किसने किया? बाबर जब काबुल में था तो आमंत्रण कुछ लोगों का आरोप लगता है कि राणा सांगा ने भी दिया था, क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के बीच नहीं बनती थी। दूसरी तरफ देखा जाए तो बाबर को बुलाने का काम इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी ने भी किया था। उसको लगता था कि बाबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे इब्राहिम लोदी को मार डालेगा, धन लूटेगा, लूटने के पश्चात यहाँ से वापस चला जाएगा। इसी उद्देश्य से यहाँ पे बाबर को बुलाया गया था, लेकिन बाबर यहाँ से जाने वाला नहीं था। फाइनली यहाँ पे रहने के लिए बाबर आया और 1526 में इब्राहिम लोदी को प्राणित किया, मौत के घाट उतारा। इब्राहिम लोदी को मारने के पश्चात उसका कब्र भी उसी पानीपत के मैदान में किसने बनवाया? बाबर ने बनवाया। पानीपत के ही मैदान में बाबर के द्वारा उसको बनाने का कार्य किया गया। दूसरी तरफ हम बातें करें तो बाबर ने यहाँ पे ग्वालियर को लूटने का काम किया। जब बाबर ने ग्वालियर को लूटने का काम किया तो ग्वालियर क्षेत्र उस समय राणा सांगा के क्षेत्र में आता था, राजपूताना के क्षेत्र में आता था। राजपूताना के शासक के बाबर पर आरोप लगाए कि आपने सल्तनत के क्षेत्र पे कब्जा किया है, आपने इब्राहिम लोदी के क्षेत्र पे कब्जा किया है, तो ग्वालियर पर क्यों आग लग गई? और इसी तरह यहाँ पे राणा सांगा पे आरोप लगाया गया बाबर के द्वारा कि आपने हमें भारत में आमंत्रित किया था और पानीपत के युद्ध में सहायता का वचन दिया था, आपने सहायता क्यों नहीं की? और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और आरोप प्रत्यारोप के बीच में ही 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और खानवा की युद्ध है किसके बीच में लड़ा गया? खानवा का युद्ध देखा जाए तो यह लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में। खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। खानवा आगरा जिला में एक स्थान है। 1526-27 ईस्वी में खानवा का युद्ध है, लड़ा गया था। कई बार डेट भी पूछ लिया जाता है कि खानवा का युद्ध है कब लड़ा गया था, 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध है किसके बीच लड़ा गया था? यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। आखिर इस युद्ध का क्या परिणाम था? इस युद्ध में देखा जाए तो बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा भी पराजय। सुबह 6 बजे युद्ध शुरू हुआ, रात के 8 बजे तक युद्ध चला और रात के 8 बजे एक गोली राणा सांगा को लगी और राणा सांगा को गोली लगने के पश्चात राणा सांगा घायल होकर गिर पड़े और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाला गया। और ऐसे ही अफवाह फैल गई कि राणा सांगा मारा गया, जिसके कारण मुगल सेना राजपूतों के सेना पे टूट पड़ी और बड़ी संख्या में 50,000 से अधिक राजपूत यहाँ पे मारे गए। और मारे जाने के पश्चात, इसी युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया। बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया और इस गाजी का मतलब क्या होता है? हिंदुओं का विनाश करने वाला का उपाधि किसने धारण किया? यहाँ पे बाबर ने धारण किया। आगे देखा जाए तो बाबर 1528 में एक और युद्ध लड़ा जिसे चंदेरी का युद्ध कहा जाता है। चंदेरी का युद्ध कहा जाता है और ये चंदेरी के शासक मेदनी राय के खिलाफ लड़ा। और इस युद्ध में बाबर ने मेदनी राय को पराजित करने का काम किया और इसमें मेदनी राय युद्ध क्षेत्र में मारा गया। और उसकी जो महिलाएं थीं, उसके परिवार की जो महिलाएं थीं, उसने सबने सामूहिक रूप से चिता सजाया और चिता सजाने के पश्चात वो अपने आप को आग में स्वाहा कर लिए, आग में यहाँ पे दफन कर लिया, जिसे जौहर प्रथा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। आगे हम बातें करें तो 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा और इसी युद्ध में देखा जाए तो बाबर के पक्ष से शेरशाह सूरी भी युद्ध कर रहा। बाबर के साथ शेरशाह सूरी भी था। शेरशाह सूरी ने बड़ी सूझबूझ का परिचय दिया और बाबर को युद्ध में विजयी बनाया, जिसके कारण बाबर ने शेरशाह सूरी को चलाक अफगान के नाम से संबोधित किया। चलाक अफगान के नाम से संबोधित किया और 1529
29 ईस्वी में देखा जाए तो बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा। ये घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध देखा जाए तो ये लड़ा गया था, और वो लड़ा गया था अफगानों और मुगलों के बीच में, क्योंकि अब अफगानों को ऐसा लगने लगा कि बाबर अब यहां से जाने वाला नहीं है, बाबर यहां से जाने वाला नहीं है, बाबर यहां पे परमानेंट रहने के लिए आ गया है। इसीलिए पूरे जो भारतवर्ष के अफगान थे वो सब सम्मिलित होने लगे, और इसी कारण शेरशाह सूरी भी छोड़ के, बाबर का साथ छोड़ के किसके पास चलाया, ये महमूद खान लोधी के खेमे में चलाया, अफगानों के खेमे में चलाया। और एक तरफ अफगान सेना और एक तरफ है, एक तरफ देखा जाए तो बाबर की सेना के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जिसे घाघरा का युद्ध है कहा जाता है। जिसे घाघरा का युद्ध कहा जाता है, ये कब लड़ा गया? 1529 ईस्वी में लड़ा गया। एक तरफ महमूद खान लोधी था और दूसरे तरफ है देखा जाए तो कौन था, दूसरी तरफ देखा जाए तो बाबर। ये घाघरा घाटी में लड़ा गया। इसी घाघरा घाटी के समय देखा जाए, जब बाबर ये घाघरा सरयू नदी जिसे कहा जाता है, इसी सरयू घाटी में ये युद्ध लड़ा गया था। और उसी समय जब वो अयोध्या पहुंचा, तो अयोध्या पहुंचने के पश्चात नमाजियों को नमाज पढ़ने के लिए कोई मस्जिद नहीं, जिसके कारण वहाँ पर उसने राम जन्मभूमि क्षेत्र में उसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया, जो एक विवादास्पद कथा बन गया, जो इस विवादास्पद कथा पे अंत हो गया। अभी राम मंदिर का शुरुआत हुआ जिसके कारण उसका खात्मा हो गया, उस कहानी का चैप्टर क्लोज हो गया। तो यही इसी समय बाबर ने उस मंदिर के जगह पर मस्जिद को बनाने का काम किया। और इस युद्ध में देखा जाए तो बाबर ने नौ सेना का भी, इस युद्ध में बाबर ने नौ सेना का भी उपयोग किया, और अंततोगत्वा महमूद खान लोधी भागने में सफल हो गया और यह युद्ध बाबर ने जीत लिया। तो लगातार चार युद्ध बाबर ने जीता। यहाँ पे उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो 1526 में पानीपत का युद्ध, दूसरा है 1527 में खानवा का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, 1528 में चंदेरी का युद्ध है, और 1529 में घाघरा का युद्ध। चार युद्ध बाबर ने जीत लिया, भारत में स्थायित्व प्राप्त किया बाबर ने। अब यहाँ पे देखा जाए तो बाबर ने एक बावड़ी बनवाया था, बावड़ी बनवाया था, और उस बावड़ी को उसने फैसला किया था कि जब मैं राजपूतों से युद्ध जीत लूँ तो इसे शराब के बोतलों से, शराब से भरवाऊंगा। लेकिन उसके पहले ही देखा जाए, जब सैनिकों का मनोबल राणा सांगा के विरुद्ध कमजोर हो गया, प्रत्येक अफगान सैनिक कमजोर हो गया, तो उसने मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी शराब लाया था उस शराब के बोतलों को तोड़वा दिया। और तोड़वाने के पश्चात बाबर ने फिर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और खानवा का युद्ध जीत लिया। लेकिन जब उसे याद आया कि मैंने तो बावड़ी धौलपुर में बनवाया था, बावड़ी का मतलब छोटा सा तालाब है, और उस तालाब को मैंने शराब के बोतलों से, शराब से भरवाने के लिए कहा था, तो शराब तो सब खत्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। तब फिर उसने नींबू पानी का शरबत तैयार करवाया, और तैयार करवा के उस धौलपुर बावड़ी को भरवाने का काम। दूसरी तरफ हम बातें कर ले 1530, बाबर 48 वर्ष की अवस्था में बीमार पड़ गया, और धीरे धीरे अब उसकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती जा रही थी। उसके पीछे रीजन लोगों ने बताया है, जो उसकी बेटी थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूं नामक पुस्तक लिखा है, और उस पुस्तक में जिक्र करती है गुलबदन बेगम कि एक दिन इब्राहिम लोधी के माँ से मिलने मेरा पिता गया, और इब्राहिम लोधी की माँ ने जहर दे दिया, खीर में ही खीर खाने को दिया, और उसी खीर में उन्होंने जहर मिला के दे दिया, और जैसे जहर मिला के दे दिया उस जहर को भी पचा गया बाबर। अब इसी पे थोड़ा सा इतिहास में विवाद हो जाता है कि अगर
जहर पिया तो 24 घंटा 48 घंटा 4-5 दिन के अंदर मर जाना चाहिए, लेकिन जहर पीने के 6 महीना बाद बाबर मरता है तो उसका और भी कुछ रीजन रहता है। इधर देखा जाए तो हुमायूं बीमार हो जाता है, हुमायूं बीमार हो जाता है, 23 वर्षीय जो हुमायूं है उसका बड़ा पुत्र है बीमार हो जाता है। अब उसके बचने की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती है। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि बाबर अल्लाह से दुआएं मांगता है कि मेरा जीवन ले ले और मेरा पुत्र का जीवन दे दे, और ठीक यही होता है। यहाँ पे उसके पुत्र का जीवन दे दिया जाता है, अल्लाह ठीक कर देते हैं, उसके ईश्वर ठीक कर देते हैं और बाबर बीमार पड़ जाता है। मात्र 48 वर्ष की अवस्था में ही 1530 ईस्वी में इस संसार से अकबर बाबर विदा हो जाता है और एक मुगल वंश की जो स्थापना करता है उसका वारिस आगे चल के कौन बनता है, और वो बनता है आपका कौन बनता है, हुमायूं बनता है। तो हुमायूं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप निश्चित है कि प्रतिक्रिया देंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 87 07 81 9। थैंक यू।